यार आज मैं खेलने वाला हूँ GTA। और यार मतलब मैं सोचा था आज वॉर जोन डालूंगा, लेकिन क्योंकि अब वॉर इंडिया में वॉर जोन के ऊपर व्यूज मिलना इतना ही मुश्किल है जितना जितना किसी मिनिस्टर के घर में ब्लैक मनी ना मिलना। तो यार चलो, तो आज अपना काम है कि आज अपने को जो है कुछ बहुत ही स्लो गाड़ियों को माउंट चिलियर के ऊपर लेके जाना है, एकदम ऊपर, यहाँ पे एकदम ऊपर लेके जाना है। तो सबसे पहले जो गाड़ी अपनी होने वाली है वो होने वाली है गोल्फ की बगी। तो यहाँ पे अगर मैं गोल्फ लिखता हूँ तो स्पॉन नहीं होगी ऑब्वियसली। तो ये रही अपनी गोल्फ कार्ट बगी, जो भी बोलना है। और अब देख लो यार इलेक्ट्रिक है, क्योंकि गोल्फ में शायद से पेट्रोल अलाउ नहीं होता, तो इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं यार। और क्या कर सकते हैं, तो मैं अभी इसको एक छोटा सा इंक्लाइन चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अभी से इतना धीरे कर रहा है, मुझे एग्जैक्टली माउंटेलियर का रोड याद तो नहीं है, बट वो है, वो देखो वो रहा उसका टॉप। तो हाँ यही से है उसका रास्ता। तो फटाफट से काम करते हैं, एक तो बड़ी सही चल रही है माउंट चिल्लियाड के ऊपर। तो चलो यार देखते हैं। ओके ओके, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ओ भाई साहब, ये तो चढ़ ही नहीं रही। फ्रैंकलिन की एबिलिटी यूज़ करते देखते हैं, वैसे चढ़ी नहीं रही। रिवर्स यूज़ कर करते थे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रिवर्स का बहुत तगड़ा होता है। तो चढ़ा के देखते हैं, वो चढ़ रहा है चढ़ रहा है। नाइस नाइस, और थोड़ा सा एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं, और एबिलिटी यूज़ करते हैं। लगते हैं पूरा रोड यूज़ करना पड़ेगा उसकी एबिलिटी। नहीं, चेक काम करते हैं इसको, यहाँ पे टर्न मारते हैं। नहीं 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 इसको एक काम करते हैं, इसको नहीं ऐसे भी नहीं चढ़ रहा। एक काम करते हैं, नीचे से फुल स्पीड। अच्छा यहाँ पे मैं चढ़ा सकता हूँ ना, और यहाँ से मैं स्पीड पकड़ के ऐसे आ सकता हूँ। वो भाई से तो चढ़ ही नहीं था। अच्छा मेरे पास एक और तगड़ा आइडिया है, गन पकड़ के इसको धक्का दे सकते हैं क्या, लात मार के। चल को, तो एक काम करता हूँ, ऊपर जैसे चढ़ते हैं तो अभी मेरा प्लान सुनो। तो अपना प्लान ये है कि मैंने आपको बोला था कि भाई गोल्फ कार लेके जाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि कितनी लेके जानी है। एक और स्पॉन कर देते हैं और ऊपर चढ़ ऊपर चढ़। वो वैसे भी तो नीचे जाती है, अरे नीचे ना। अच्छा कुछ भी रिवर्स नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने W प्रेस किया हुआ है लेकिन बिल्कुल भी नहीं जा रहा ऊपर। और थोड़ी कोशिश करते हैं तो नहीं, तो बग्गी तो फेल हो गई टेस्ट में, मतलब गोल्फ कार में। पता नहीं इसको बाबा बग्गी क्यों कहता हूँ। तो अब अगली गाड़ी लाई जाए। मेन्यू स्पॉनर में एक ऐसा तगड़ा ऑप्शन है रैंडम व्हीकल स्पॉन करने का, तो देखते हैं मेन्यू अपने को क्या देता है। ठीक है ना, जो भी रैंडम व्हीकल देगा हमें उससे ऊपर चढ़ा के जाना होगा। तो लेट्स सी, 1 2 3। ओके, एक पुरानी गाड़ी है, एटलीस्ट ये एक
गोल्फ कार से तो अच्छी ही होगी, तो इसको चढ़ाते हैं ऊपर। लगता कि कोई डिफिकल्टी आने वाली है इसको चढ़ाने में, क्योंकि यार इंजन है इसके अंदर पेट्रोल वाला या डीजल वाला जो भी है, तो मेरे ख्याल से चढ़ जानी चाहिए यार ये। बाकी दिख तो पुरानी रही है लेकिन चढ़ जाएगी आराम से। स्लो क्यों होती है? स्लो नहीं मतलब तेज चल, तेज तेज टाइगर पे के हट जा। ओ भाई साहब, फिर से चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके ये टर्न थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद से इस गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी भी बहुत चौड़ी सी है, तो मेरे ख्याल से बड़ा वाला यहाँ से लेके। ओके अब हो गया, चढ़ जाएगी अब तो आराम से। थोड़ी सी स्लो चल रही है लेकिन गोल्फ कार से तो बहुत अच्छी है। तो वैसा ही एक और आ चुका है, बट ये इजी है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ तगड़ा था नहीं टर्न। माउंट चिलियर के ऊपर लगभग पहुंच ही गए आप। ये सब पतली सड़क आ गई, बहुत खतरनाक सड़क है ये। लाइट्स ऑफ कर देता है, लाइट्स ऑफ कर देने से आसपास की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। गेम सुबह हो रहा है भाई साहब, रात हो रहा है, 11 बज रहे रात के। एक बंदा 11 बजे ऐसा ही तो काम करेगा भाई साहब। ये देखो आप पहुंच गए ऊपर बिना किसी तकलीफ के, सीढ़ियों के ऊपर चला कर देखते हैं इसको, मतलब पूरा एकदम टॉप पे लेके जाते हैं उसे। यहाँ से ले जाना हल्का सा मुश्किल हो सकता है, रिवर्स में ले जाते हैं भाई साहब। आई थिंक ये ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि एक मतलब बहुत लो पे है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो SUV वगैरह होती तो चली जाती है आराम से। तो अब देखते हैं अगली गाड़ी कौन सी, और ये गाड़ी बहुत ईजी हो गई थी, तो अब कोशिश करेंगे कि जो रैंडम व्हीकल हो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो चलाने में, मतलब स्लो वगैरह हो। कि रैंडम व्हीकल से अपने को एक फायर ट्रक मिली है, ये चलाना हल्का सा मतलब मुझे नहीं पता ये मुश्किल होगा नहीं होगा। अच्छा अगर मैं एक और व्हीकल स्पॉन करूँ तो डिलीट हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो कोशिश करते हैं कि कोई, वैसे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, अगर कोई स्लो व्हीकल नहीं आई तो वही लेंगे। ये वैन आ गई, वैन उससे भी ज़्यादा स्लो है, बट यार क्योंकि ये ट्रक बड़ी है तो सकते उसको लेना मुश्किल हो। मैंने कहा था मुश्किल है तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है क्योंकि चल भी नहीं पाएगी ऊपर। हेलीकॉप्टर तो एक झटके में पहुंच जाएगा, पर यार अपनी ट्रक चली गई, मुझे लगता है अपने को व्हीकल्स के पास रहना होगा। तो वो ये ले सकते हो ऊपर, ये भी वही है लेकिन छोटा सा वर्जन उसका, ये ले सकते हैं। अगर ये इस क्लाइंब को ले गई ना तो आराम से इसको, वैसे तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है यार के, तो इसको जाने का तो प्लान कैंसिल, क्योंकि भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही स्लो है। इसका रिजल्ट ये क्या है? तो ट्रेन का वो है ना हिस्सा, इसको कैसे, इसके अंदर कैसे बैठ रहा है ये? भाई ये क्या हो रहा है, अजीब ही चल रहा है। और देखते हैं और क्या है, तो देखते हैं कौन सी गाड़ी आती है अब जो थोड़ी सी स्लो हो। बाइक तो आराम से चली जाएगी, कौन सी बाइक है, आराम से चली जाएगी बाइक, तो बाइक अपने को नहीं चाहिए क्योंकि बाइक आराम से चली जाएगी। ओ भाई साहब बस आ गया है, बस को ले जाके देखते हैं, बस को ले जाके देखते हैं कैसा सीन रहता है बस का। और चढ़ जा,
कोई आइडिया नहीं चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, बट क्योंकि इसके अंदर इंजन वगैरह है तो चढ़ तो जाना चाहिए। मेरे को देखना है कि अगर ये इंक्लाइन को ठीक से कर पाई ना तो आराम से चढ़ जाएगी। बड़ी गाड़ी है, इतनी तगड़ी बस है, इतना तगड़ा इंजन है, फिर भी नहीं कर पाई यार। अच्छा, फ्रैंकलिन की एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं ना, तो भूल ही गया था। तो यहाँ से इसको लेके हल्का सा ना इसको स्पीड चाहिए रहेगा। अरे इतनी भी स्पीड की बात नहीं कर रहा था मैं। अरे रुक जा भाई, भाई साहब, अरे भाई रुक जा यार। तो चढ़ाना अपने को और पूरा फुल एकदम स्पीड में, मतलब फुल एकदम इंजन एकदम, मतलब चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है पूरा फुल रेव दे के ये काम कर सकता है। पूरा हैंड ब्रेक दे के फिर चढ़ाना। ऐसा भी सामने से क्यों, मतलब सामने क्यों मोटर है इसका भी, इसका तो मोटर पीछे होना चाहिए ना। बसेस में मोटर पीछे नहीं होती क्या, मतलब इंजन, मतलब ये तो रियल व्हील ड्राइव होना चाहिए था ना। तो बस तो पूरी की पूरी खेजी हुई है, और क्योंकि मैं ना ही उस गोल्फ को चढ़ा पाया हूँ ना ही इस बस को चढ़ा पाया हूँ, तो एक काम करते हैं, उतर जा भाई। ओके तो अभी मैं जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ करने वाला हूँ।